مولاي يا صلي وسلم دائما ابدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف <في> الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل من ومن اتبع سنته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم <من> الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي <الصلاح والقال> <applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <عجل> آج <أت> سورة المائدة آية نمبر सड़सठ सिक्सटी सिक्स है आगे का बयान होगा सूर्यमदा एक सौ बारह नंबर की सूरत है मदनी सूरत है सिवाय आयत नंबर तीन के जो कि हजतुल के दौरान रास्ते में नाजिल हुई और इसमें एक सौ बीस आयात हैं और इस व तलावत के हिसाब से पांचवें पाँचवें नंबर की सूरत है अभी हमने जो पिछले इतवार को सुना था उस तो बयान में थोड़ी वजाहत और कर दें हजरत सलाम के बारे में तौरात को और इंजील को जो हज़रत मूसी इस्लाम पर तोहैत नाजुल हुई इन दोनों किताबों को कुरान में नूर और हिदायत कहा गया है और दोनों नबियों के पैगाम को हिदायत और नूर कहा गया है यानी इस्लामीसा के बारे में चंद वजाहत है क्योंकि क्रिसमस का टाइम है आज चौबीस दिसंबर हजरतीसा की विलादत मनाई जाती इसकी थोड़ी वजाहत ये कर दी जाए कि हजीसा की विलादत हुई थी, थी उस वक्त जबकि खजूरें पकती हैं दरख्तों में जैसे कि कुरान के बयान में है और वो सितंबर के महीने में होता है दिसंबर में नहीं होता और ये सारी बात जो है ये तीसवीं हिजरी तीन सौ साल बाद हज़रत हजीसा के उठाए जाने के बाद काउंसिल ऑफ निसिया जो कि उस वक्त तुर्की ईसाई मुल्क होता था तुर्की में थी और वहाँ पर चल डॉन ने उन्होंने ये तय किया कि यह हजतीसा का मकाम क्या है उसके लिए एक थियोडोर नाम का पादरी या राहि थे जिनको इस जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप फैसला करें क्योंकि चार किताबें जो मानी जाती हैं बाइबल की जिसके अंदर पहली मैथ्यू है फिर मार्क है फिर ल्यूक है फिर जॉन है जॉन जो है वो सबसे देर वाली किताब है इन चारों किताबों के बारे में कुछ नहीं पता कि कौन उनका कातब है दूसरी बात एक अहम यह है कि एक बाइबल ऑफ मरियम है एक बाइबल ऑफ़ बर्नबास है एक बाइबल ऑफ थॉमस है एक बाइबल ऑफ नास्तिक है जो रहमानी की और ये सब अभी तुर्की और मिस्र में भी निकली हैं ये सबसे कदीम कदीम कस्म की औरिजनल इनके लिखे हुए मिले हुए हैं और फिर वो जो डेड सी स्क्रोल कहलाती हैं वो भी निकली हैं जो मैं वो फलस्तन में पाई गई हैं कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे अख्तिलाफ़ हुए हैं इसके बारे में कुछ तारीखी शवाहद हैं कि जब आ, जो किंग कॉन्स्टेंटिन था और उसनथनिया का बादशाह था कॉन्स्टेंट उसका नाम था उसके दरबार में कई ईसाई लोग थे जिन्होंने अपने दीन को ज़ाहिर नहीं किया था बाद में रफ़्त रफ़्त उनकी आबादी बढ़ती गई जो कि मुसलमान थे बेसिकली हज़रत ईसा के मानने वाले थे और उन्होंने उसको बादशाह को कहा कि अगर तुम हज़रत ईसा का निशान लो और जंग लड़ो तो फ़लस्तीन पर तुम कब्ज़ा कर लोगे तो तुम ईमान ला सकते हो तुम देख लो साबित करने के लिए तो उसने वो किया और जंग में जीत किया तो उसकी माँ हलीना थी इन्होंने फिर जब फ़लस्तीन पर आए तो इन्होंने बहुत सारी किताबें थीं जिनमें आपको शायद इल्म हो कि इस वक्त जो मौजूदा बाइल है उसमें सिर्फ सड़सठ कलिमात हैं जो हजरत ईस्ा से कहा जाता है कि हजरत ईसा का अकवाल है बाकी किताब में जो कुछ लिखा गया है वो लोगों ने अपनी राय दिया लेकिन ये नहीं पता वो कौन है तो एक बड़ा इसमें मसला है और फिर उसमें आप देखिए मैं आपको कुछ आ, पढ़ के भी सुनाऊँगा कि हजरत ईसा ने खुदा होने के दावे से इनकार किया तो अपनी रबूत के दावे से हजरत यसी ने इनकार किया और उसके लिए मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़कर और फिर उसमें उसका जो बाइबल का तर्जुमा वो भी सुनाऊँगा कि हजरतीसा अकीद रबूवियत के मुन के रहें इनकार किया उन्होंने कि मैं अल्लाह का मैं अल्लाह नहीं हूँ इसका इनकार मैं आपको सुनाऊँगा मार्क की बुक बुक का नाम है मार्कस और चैप्टर दस यानी और सत्रह सतर आयत और उसमें उन्होंने तफस से बयान किया बहर तो तोसा का जो जो तालीम थी एक तो ये थी कि तोहेद की थी यानी कि एक अल्लाह की इबादत करो दूसरा वो इस्लामी तरीके की इबादत कर का हुम देते थे अल्लाह ताला से मोहब्बत और उसकी इबादत करने का हुक्म था अपनी नीयत की पाकिजी की तालीम देते थे और मुनाफत से दूर रहने का हुक्म करते थे अपने एक पड़ोस से मोहब्बत करने का हुक्म देते थे और और इस्तफार का हुक्म देते थे उन्होंने पूरी बाइबल में कभी नहीं कहा कि तसलीस का अक़ीदा है यानी कि मैं भी खुदा हूँ और एक खुदा और भी है और फिर एक रोहल कदस पूरी बाइबल में रूहल क़ुस को जिसको कहा जाता है होली स्पिरिट उसको कहीं नहीं लिखा कि वो डिवाइन है और हजतीसा ने री इंकारनेशन यानी दोबारा जिंदा होने या रिजरेक्शन यानी दोबारा उठ जाने से या इनकॉर्नेशन यानी कि खुद ब खुद खुदाई तौर पर पैदा होने का कोई दावा नहीं किया ना उन्होंने हुक्म दिया चर्च का ना उन्होंने हुक्म दिया तसलीस का ट्रिनिटी जिसको किया जाता है फादर सन होली स्परिट और कहा जाता है कि पहले फ़ादर मदर और सन था बाद में उन्होंने चर्च ने दादा दा दा लिया औरत नापाक होती है तो औरत को निकाल करके होली स्पिरिट को लिया, फादर सन होली स्पिरिट और ना ही हजरत हज़त ने कभी कहा कि क्रिश्चियनिटी कोई मज़हब है या मेरा मजहब है या मैं उसकी तबलीग कर रहा हूँ या तालीम कर रहा हूँ और ना उन्होंने अटोनमेंट का कहा अटोनमेंट क्या है इसको समझ लीजिए अटोनमेंट यह है कि मैं तुम्हारे गुनाह ले जाऊँगा मैंने मतलब अपने आप को सूली चढ़ा दिया है और अल्लाह ने मुझे सूली चढ़ा दिया यानी मैं अपने बेटे को और तुम्हारे गुनाह माफ़ हो गए तो ये एक बहुत बड़ा अजीब साकदीदा है जो बाद में लाया गया तो ये हजरती कभी नहीं दिया और जहाँ पे चारों बुक जो आजकल मौजूद हैं यानी कि मैथ्यू मार्क ल्यूक और जान जान की जो किताब है वो सबसे आखिरी बाइबल की यानी इंजील की वो किताबों में कहा जाता है और इन चारों किताबों में जो है ना क्या है कि वही वाक़त दोबारा दोहराए गए हैं अक्सर यानी एक किताब में जो लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा जो हरत लिखा है उसके अंदर दूसरे अफाज़ का क्या तब्दीली होती है वो भी अंदाज़ा हो जाएगा तो अल्लाह के कलमा तो तब्दील नहीं होते थे इंसान के अकाल थे जो कि लिखे गए मुख्तलिफ़ अकवाल से तो जॉन की किताब में लिखा है कि हजरत ऐसी के बारे में कि अल्लाह के साथ कलमा था और कलमा फिर वो अल्लाह के साथ हो गया और फिर वो इंसान की शक्ल में पैदा हो गया और फिर वो अल्लाह जो है वह इंसान हो गया और इंसान के रूप में आ गया तो सवाल ये होता है कि अल्लाह अगर इंसान के रूप में आ गया तो बाइबल के फिर इख्त हो गया ना बाइबल में तो ऐसी कोई तालीम नहीं फिर है फिर दूसरा ये कि एक कॉल ये लिखा है कि आई एम बिफोर इब्राहिम यानी मैं इब्राहिम से पहले था हज़रत ईसा का कॉल है फिर आई एम लाइट ऑफ़ द वर्ल्ड मैं दुनिया की रोशनी हूँ आई एम द ऑफ द लाइफ यानी मैं ज़िंदगी की दोबारा तख्लिक हूँ तो ये अकवाल को उन्होंने ऐसे ट्रांसलेट किया कि यह खुदाई का दावा है और फिर कुछ चर्च के लोग कहते हैं कि उन्होंने लोगों से दुआएं लेनी शुरू की मतलब यह है कि लोग उनसे दुआ करें बजाय इसके कि अल्लाह से दुआ करें इनकी बुनियादों पर यह जॉन की बुक में है सारी चीज़ें तो इसके इसके मुकाबले में जो कहा जाता है बाइबल से मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ बुक ऑफ मार्क चैप्टर टेन वर्स नंबर सेवेंटीन सत्रहवा नंबर और जो कहा जाता है ना चैप्टर वो दसवां द रिच मैन एंड द किंगडम ऑफ गाड वर्स नंबर 17, सत्रहवें नंबर का वर्स है रिच मैन अमीर आदमी और खुदा की यानी खलकत या मखलूक या खुदा खुदा की बादशाह किंगडम तो ये जन्नत क़्यामत का बयान रहा है मतलब आख़रत का कामयाबी का वर्स नंबर सत्रह में एज जीसस स्टार्टेड ऑन हिज वे अ मैन रन हिम एंड फेल ऑन हिज नीज बिफोर हिम गुड टीचर ही आस्क वट मस्ट आई डू टू इनहेरिट इटर्नल लाइफ जब हजीत जब चल रहे थे अपने रास्ते पर थे तो एक आदमी दौड़ता हुआ आया और आपके कदमों में गिर गया और अपने घुटनों के बल बैठ करके उनके सामने कहने लगा गुड टीचर ए अच्छे मालम ए अच्छे उस्ताद ही आस्क आ पूछा तुम्हें वट मस्ट आई डू टू इनहेरिट इनहेरिट्रोन लाइफ मैं क्या करूँ कि मुझे आखिरत की कामयाबी मिल जाए अट्ठारवी उसमें हजरतीसा आप जवाब दे रहे हैं वाई डू यू कॉल मी गुड जीजस आंसर तो मुझे क्यों अच्छा कह रहे हो अच्छा तो ये हजरतीसा ने कहा नो वन इज़ गुड कोई अच्छा नहीं है एक्सेप्ट गाड अलोन सिवाय अल्लाह के जो कि तनहा है अल्लाह वाहद हु अब अंदाज़ा लगाए कि उसने हजरत ईसा को गुड टीचर कहा और ईसा ने कहा कि गुड तो अल्लाह है यानी कि मैं अल्लाह नहीं हूँ कोई और है अल्लाह लेकिन मैं अल्लाह नहीं हूँ ये इस पास तक ये बाइबल के लफ्ज हैं वाई डू यू कॉल मी गुड आंसर जीजिस नो वन इज़ गुड एक्सेप्ट गाड अलोन तो मुझे अच्छा क्यों कह रहे हो सिवा के कोई अच्छा नहीं फिर यही जुमले मैथ्यू की बुक है मती चैप्टर नंबर नाइनटीन वर्स नंबर एंड सेवनटीन सोलह सतवें आयत में यही लफ्ज़ हैं वाई डू यू आस्क मी अबाउट वट इज़ गुड अब देखिए लफ्ज बदल गए पहले में था वो गुड टीचर तो वही आया वर्स नंबर सिक्सटीन में इसमें लिखा है जस्ट देन ए मैन केम अप टू अपीज एंड आस्क टीचर वट गुड थिंग मस्ट आई डू टर तो दौड़ता और ये देखिए कहने लगा चीजें आखिरत की कामयाबी मिल जाए यू आस्क मी अबाउट वट इज गुड तो मुझसे क्यों पूछते हो कि क्या अच्छा है जवाब दिया देर इज ऑनली वन हुए एक ही है जो कि अच्छा है इफ़ यू वॉन्टर लाइफ कीप द कमेंडमेंट्स अगर तुम आखिर की कामयाबी की जिंदगी में जाना चाहते हो यानी जन्नत में तो अल्लाह की कमांडमेंट्स को पूरा करो देखिए लफ्ज बदल गए फिर उसके बाद ल्यूक में यही चीज है और लफ्ज बिल्कुल वैसे हैं जो पहले में थे ल्यूक एटीन वर्स नंबर एटीन एंड नाइन एटीन टू थर्टीन वाइडन रूलर आस्क हिम गुड टीचर वट मस्ट आई डू टू इनहेरिट दाइफ एक हुक्मरान आया और उसने हजरत ईसा कहा अच्छे मालम मैं क्या करूँ कि मुझे हमेशा की आखिरत की जिंदगी मिल जाए वाइट डू यू कॉल मी गुड जीजस आंसर्ड हजरत ईसा ने जवाब दिया तू मुझे अच्छा क्यों कह रहा है नो वन इज़ गुड एक्सेप्ट गाड अलोन कोई दुनिया में अच्छा नहीं है सिवाए खुदा के यानी उन्होंने कहा कि मैं खुदा नहीं हूँ सिर्फ खुदा अच्छा है अब आप इस, आ, इसके बाद आप आ जाएँ ये जो ईसा को कहते हैं जॉन है के अंदर जो है कि खुदा जो है वह जिसम के गोश की सूरत में आ गया रोमन चैप्टर वन ट्वेंटी टू वर्स पहला चैप्टर बाईस में आया आयत नंबर बाईस ऑल दो दे क्लेम टू बी वाइज जबकि ये दावा करते हैं कि ये अक्लमंद हैं दे बिकम फूल्स ये बेवकूफ़ बन गए एंड एक्सचेंज ग्लोरी ऑफ द इमोटल गार्ड फॉर इमेज़ देट लुक लाइक मोर्टल ह्यूमन बींग इन्होंने बदल दी हमेशा रहने वाली अल्लाह की ज़ात थे उन लोगों से जो कि ऐसी मखलूक जिनको मौत है नहीं है इंसान एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड चूड़िए परिंदे और जानवर और साप यानी रेप्टल वो जो मखलूक़ के जो पेट पे रेंगती हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इन्हीं की बुक में ये लिखा हुआ है कि जो अल्लाह को इंसानी शक्ल में महसूस करे या बताए या दावा करे वो असल में अल्लाह की बेजती कर रहा है और उन्होंने इंसान की तरह से उनको बना दिया है और ये बुक ऑफ मैथ्यू में ये लिखा हुआ है एन ही सेड ऑन टू हेम वाई कॉल्स दाव मी गड देर इज़ नो गुड बट वन देट इज़ गाड हजरत ने उन्हें कहा उसे कहा सतवीं आयत में मैथ्यू में कि तुम तो मुझे अच्छा क्यों कहते हो अच्छा तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है बट इफ़ दाउ विल एंटर इन टू द लाइफ कीप दमेंट और अगर तुम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होना चाहते हो तो अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करो और वह अहकाम क्या थे वह अहकाम जो हैं वो जो इस्लाम के तोहद के अहकाम आते हैं उसमें ये कहा गया है कि ये कमेंटमेंट है यू शेड नॉट मर्डर कतल नहीं करो किसी को बेगुनाह को यू शेल नॉट कमिट एडल्ट्री बदकारी और जना ना करो यू शेल नॉट स्टील चोरी ना करो यू शेल नॉट गिव फॉल्स टस्टमी झूठी गवाही ना दो यू शेल नॉट डी किसी के साथ धोखा ना दो ऑनर या फादर या मदर अपने माँ बाप का इकराम करो अब ये हजरत ईसा की तालीम थी जो कि इस्लामी तोहेद की तालीम है हज़रत ईसा ने कहीं नहीं कहा कि तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है कि मुझ पर ये ईमान लगाओ और तसलीस का अकीदा रखो ये तक तसलीस का अदा यहाँ नहीं है ना उन्होंने कहा चर्च बनाओ ना उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गुनाहों को ले जाऊंगा और उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि मुनाफत करो या अपनी नीयत को पाक ना करो और अल्लाह से मुहबत ना करो उन्होंने कहा कि अल्लाह की इबादत करो अल्लाह के अहकाम पर इस्लाम कहता है मोहम्मद की तालीम है तो एक बहुत अहम मौजूद है जिसको कि मैं चाहता था वजात हो जाए आयत नंबर सड़सठ को समात फरमाए ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين जो इत अल्लाह की तरफ से तुम पर हुए सब लोगों को पहुंचा दो और अगर ऐसा न किया तो तुम अल्लाह के पैगाम पहुंचाने में फर्ज अदा न किया और लोगों से बचाए रखेगा बेशक अल्लाह मुमकिनों को हिदायत नहीं करता तो 66 और 67 में ने बयान है कि अगर ये तौरत औरत और, और इंजील को कायम करते जो किताबें इन पर नाजिल की गई इनके पर दिगार की तरफ से मा अंजल अलमिन रब जो जो इन पर नाजिल हुई थी इनकी तरफ़ से लाअुलफ अहम तहत अल्लाह ताला उन्हें सर आसमान से रस्क नाजिल करता बारिश के थरी ज़रिए और ज़मीन से अनाज उगाता रिस्क की शक्ल में मिनह उम्म मुख्तुम वजीरों मिनहुम सामा या अमलून तो अल्लाह तआला फरमाते हैं कि बहुत से ऐसे हैं जो अमाल ये बुरे करते हैं और फिर उसके बाद अगली आयत में फ़रमाया कि ए नबी ए रसूल या रसूल अल्लाह अल्लाह ताल हुजूर से कलाम फ़रमाए ए मेरे हबीब रसूल मा उनज़िला बल्ले मिन जिला उन रब आप जो आप पे अल्लाह ने नाजिल किया उसकी बलाखत करते हैं यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और वमा ललम तफल फमह बलता रसाल और अगर आपने पूरी बात नहीं बताई तो आपने रसालत का हक़ अदा नहीं किया तफात करेंगे लोगों से साहबा से नहीं मुमिनों से नहीं लोगों से यानी तमाम जो हज़ुर को खौफ था तब परेशान होते थे तो फ़िक्र रखती थी कि ईसाई और यहूदी और मुश्रिका आपके साथ करेंगे तो अल्लाह तमाम की हफाज़त आपकी हिफाज़त की हदामकाफ़ी बेशक अल्लाह ताल मुनकरों को हिदायत नहीं देता इसकी आयत के शान नज़ुल में बयान किया जाता है कि रसुल्लम क़ुरेश और यहूद नसारा से खौफजदा या फ़िक्रमंद रहते थे उस पर अल्लाह ताली ने यह मजकूर आयत नाजिल की हज़रत हसन बसी रहमत ला ला का कौल है हज़रत अबू सैद खुदी रदी अल्लाह तरमाते तो हैं कि इस आयत में हदीर ख़ुम की जगह के नाम के दिन हज़रतली अबिन अबी ताल तुन के बारे में नाजिल हुई यानी कि हज़ू को अल्लाह ताली ने हुक दिया कि और अल्लाह जो बयान फरमाया जाता है कि कौन तो मौलान मौला जिसका मैं भी उसके मौला हैं लेकिन इसमें खिलाफत का जिक्र जहाँ पर यूँ नहीं है, है क्योंकि कहीं पर ये नहीं कहा गया है और ना ही साहबा में ना ही ममिनात में ना ही किसी शख्स ने या हजरत फातमा भी मौजूद थी हजरत अली खुद हयात थे चचा अब्बास भी मौजूद थे किसी में ये नहीं कहा गया कि हज़रतली को खलीफा नामजद किया गया तो ये कुछ हमारे यहाँ जो अहल तशी कलाते हैं उनका यह तर्जुमा है कि जनाब ये हज़रतली की शान में नाजुल थी इस शान में नाजुल थी लेकिन खिलाफत का हुक्म नहीं था इसमें قل يا اهل الكتاب لستم على مع شيء دقيم التوراه والانجيل ما انزل عليكم من ربكم ايه ايه نمبر 68 قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراه حتى تقيموا التوراه والانجيل وما من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين قل أهل الكتاب जब तक तुम तौरात और इन को और जो और किताबें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम लोगों पर नाजिल हुई उनको कायम न रखोगे कुछ भी राह पर नहीं हो सकती और ये और जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है इससे उनमें से, उन से अक्सर की सरकशी और गुफर और बढ़ेगा तो तुम कौम कु पर अफसोस न करो न <स्याँगा> الصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پر खा मुसलमान हो या यहूदी या सितारा परस्त या ईसाई उनको कयामत के दिन न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। तो ये आयत नंबर sixty seven के अंदर एक और बात भी है कि हज़रत आयशा से पूछा गया तो आपने इनफॉरमेशन बुखारी की हदीस है। कि हुजूर ने सारा पैगाम दिया या घर वालों को या किसी को कोई और पैगाम भी दिया तो हज़रत ने फरमाया कि हुजूर सालात असलम ने सारा इल्म लोगों को दे दिया कुछ चीज़ अपने पास ऐसी नहीं रखी जो कि घर वालों को खास तौर पर बताई और जो ये कहे कि हुजूर ने कुछ इल्म नहीं दिया वो उसने हुजूर पे झूठ बांधा तो ये कुरान की एक ज़ाहरी है और एक बात नहीं है जो कि तमाम साहबों से जिस जिसकी जितनी जिस इस्तात थी हजरत हुजूर सा ने उनको दिया जैसे हज़रतली के पास कुछ उलूम थे लेकिन हज़रतली से जब सवाल किया गया कि आपको हजू ने कोई ऐसी भी बात दी है जो कि दूसरे इम में नहीं हो तो आपने फरमाया हजूर ने सबको वही कुरान सिखाया जो तुमको सिखाया और जिसको सबको सिखाया लेकिन हाँ कुरान का फहम अल्लाह ताला ने हर बंदे को अलग दिया है और फिर उसके बाद ये अगली आयत में अल्लाह ताला, ताला फरमाते हैं कि ए हबीब आप कह दें कुल याहिल किताब ए अहले किताब लस तुम अला शहीन तुम किसी भी चीज़ पे कायम नहीं हो हत्ता कि तो कैमत तो वाल चीज़ हती कि तुम इस बात पर आओ तो ये तुम्हारी औवत कुछ नहीं है तुम कुछ भी नहीं होता मुसलमान भी मुसलमान नहीं है, अगर अल्लाह और रसूल पर ईमान ना लाए तो फरमाया कि जब तक, तक तुम इनको पढ़ो और इन पर अमल ना करो इनको कायम ना करो तो तुम ना तोरात पे हो ना इंजील पे हो अगर उस पर नहीं हो तो फिर तुम अपने दिली ख्याल में हो और माँ उन من मे रबुम जो कि तुम पर नाजिल किया गया तुम्हारे रब की तरफ से वोलाजीदना कसिर माँ उन सला मब के तौियान वफ़ फ़लाता असलमिलकाफ्रीन तो आपने फरमाया कि जो तुम पर नाजुल हुआ है अभी उसको अगर ये सुनेंगे तो जब पहले अपनी किताब पर अमल नहीं करते तो इनमें और बगावत और आ, कह लिया जाए कि सकशी इनका कफर बढ़ जाएगा तो आप इस बारे में फ़िक्रमंद ना हो क्योंकि हजूर को फ़िक्र होती थी कि यह पहले किताब यह मुसलमान है